लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जब से सामने आए हैं तब से मोदी सरकार के लिए कई मोर्चों पर परेशानी खड़ी हो गई। एक तरफ इंडी गठबंधन चाहता है कि कैसे भी एनडीए के सहयोगी दलों को अपने पाले में लाकर मोदी सरकार को झटका दिया जाए। दूसरी बीजेपी के सामने गठबंधन साथियों के साथ तालमेल बिठाने की रोज नई जद्दोजहद। इसके अलावा अब आरएसएस भी बीजेपी से नाखुश और गुस्से में नजर आ रही है। बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर आरएसएस लगातार हमलावर है और बीजेपी के पास उन हमलों का कोई जवाब नहीं है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजीव चौहान। 27 दिसंबर 1925 के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार ने महाराष्ट्र के नागपुर में आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की थी, जिसे इस साल आने वाली 27 सितंबर को पूरे 100 साल हो जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बाद अगर पिछली दो बार की तरह बीजेपी की प्रचंड जीत होती तो आरएसएस इसे देश भर में धूमधाम से मनाती, लेकिन बीजेपी ने इस बार का बहुमत आंकड़ा बहुत दूर रह गया, उसे पार नहीं कर पाई। पिछले दो चुनाव के बाद मोदी के नेतृत्व में हुए तीसरे चुनाव में बीजेपी का ये सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। बस इसी बात से आरएसएस अब बीजेपी से नाराज है और लगातार निशाना साध रही है, बीजेपी को अहंकारी और घमंडी बता रही है। हाल ही में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया था जो उन्होंने चुनाव नतीजे आने के बाद दिया था। भागवत कहते हैं अपने बयान में कि एक सच्चा सेवक काम करते समय मर्यादा बनाए रखता है और उसका पालन करता है, उसमें अहंकार नहीं आना चाहिए। ये काम मैंने किया है, ये वो काम मैंने किया है, ऐसा न करने वाला व्यक्ति ही सच्चा सेवक कहलाता है। तो भागवत का ये बयान सामने आते ही मीडिया ने इसे प्रमुखता से उठाया और ये समझा कि बीजेपी आरएसएस के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि भागवत का ये बयान साफ तौर पर पीएम मोदी की ओर इशारा करता था। भागवत के बयान को प्रधानमंत्री मोदी के लिए चेतावनी भी माना गया। इस मुद्दे ने कुछ ही घंटे में राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ा और इंडिया ब्लॉक ने भी इसे लेकर भ्रम फैलाना शुरू कर दिया। संघ और बीजेपी ने विवाद को पनपते देखा तो अपनी अपनी तरफ से सफाइयां पेश की जाने लगी, लेकिन उनका असर कुछ नहीं। आरएसएस से जुड़े सूत्रों ने कहा कि भागवत का इशारा पीएम मोदी की तरफ नहीं था, लेकिन वो ये भूल गए कि एक बार धनुष से छोड़ा गया बाण कभी वापस आ सकता है क्या। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोहन भागवत या आरएसएस किसे अहंकारी कहना चाह रहे हैं। वहीं कुछ राजनीतिक जानकारों ने आरएसएस के बयानों को बीजेपी पर दबाव बनाने के रूप में भी देखा। इसका ताजा नमूना आरएसएस सदस्य रतन शारदा का वो लेख है जो उन्होंने संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अपनी खीज जाहिर करते हुए लिखा। 2024 के आम चुनावों के नतीजे और कॉन्फिडेंस से भरी बीजेपी और उसके कार्यकर्ताओं को आईना दिखाने वाले। बीजेपी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता अपने ही बनाए बुलबुले में खुश थे। खुद मोदी जी सातवें आसमान पर थे जो जमीन पर आम जन की आवाज नहीं सुन पाए। तो रतन शारदा के इस लेख ने आग में घी डालने का काम किया। बात फैल गई कि बीजेपी पर उसका मूल संगठन सीधा हमलावर है, लेकिन बीजेपी तब भी चुप रही। यहाँ तक कि बीजेपी के तमाम बड़बोले प्रवक्ताओं के पास संघ से जुड़े किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार बनाने के लिए एनडीए के घटक दलों को इकट्ठा करने में व्यस्त थे। ये कोई आम बात नहीं है। इस बार बीजेपी संसदीय दल की तरफ से ही नहीं बल्कि एनडीए संसदीय दल के सांसदों की तरफ से एनडीए का नेता चुना गया है। बीजेपी को उलझन में देख एक बार फिर संघ के लोग सामने आए और विवाद को सुलझाने के लिए शारदा के लेख से किनारा कर लिया। संघ ने ऐसा करके बीजेपी को लपेटे में लेने की सोच रखने वाले संघियों को चेतावनी देने की कोशिश की। चुनाव नतीजों ने संघ को उससे कहीं ज्यादा आहत किया था जितना उन लोगों ने जाहिर किया। नागपुर मुख्यालय पहले से ही संघ को हुए नुकसान का आकलन कर रहा था। तीन मुद्दे थे जिन्होंने संघ को सबसे ज्यादा उत्तेजित किया, परेशान किया। पहला, जनसंख्या नीति। मोदी के दूसरे कार्यकाल में अयोध्या, धारा 370 और यूसीसी के बाद संघ को उम्मीद थी कि तीसरे कार्यकाल में वो जनसंख्या नियंत्रण मामले को संभाल लेंगे। 2022 में अपने दशहरा संबोधन में भागवत ने औपचारिक रूप से धर्म आधारित असंतुलन को नियंत्रित करने के लिए ऐसे कानून की मांग की थी। उनके लिए घुसपैठ, जबरन धर्मांतरण और बढ़ती जन्म दर चिंता का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता तेजी से बढ़ती मुसलमानों की आबादी थी। उसे उम्मीद थी कि बीजेपी अपने तीसरे कार्यकाल में इस परियोजना को अपनाएगी। दूसरा, कमजोर होती हिंदुत्व की पकड़। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 70 सीटों की उम्मीद थी, लेकिन मिली सिर्फ 33। संघ की प्राथमिक चिंता ये नहीं है कि बीजेपी यूपी में इतनी सारी लोकसभा सीटें हार गई। यूपी के जिन लोगों के बारे में संघ को लगता है कि उन्होंने दशकों से हिंदुत्व परंपरा को अपनाया है, उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के भाजपा के खिलाफ या फिर कह ले हिंदुत्व के खिलाफ वोट किया है। संघ का आकलन है कि लोगों को व्यापक हिंदुत्व दर्शन को भूलकर जाति के आधार पर वोट देने में ज्यादा समय नहीं लगा।
ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि भविष्य में अपने अनुयायियों के बीच हिंदुत्व की भावना को खत्म होने से रोका कैसे जाए। अगर यूपी में ऐसा हो सकता है तो दूसरे राज्यों में क्या होगा जहां भाजपा ने अभी अभी अपनी पैठ बनानी बस शुरू की है। तीसरा, बीजेपी आरएसएस के बीच ऑपरेशनल कॉन्फ्लिक्ट। चुनाव के बीच मई महीने में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संघ के खिलाफ एक बयान दिया था, याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था, पहले हम छोटी पार्टी थे तब हमें आरएसएस की जरूरत थी, आज हम बढ़ गए हैं, अपने आप में सक्षम है, तो अब बीजेपी खुद को चलाने में सक्षम है। नड्डा ने कहा कि आरएसएस वैचारिक रूप से अपना काम करती है और हम राजनीतिक रूप से। नड्डा के इसी बयान के बाद सारा हंगामा खड़ा हुआ। इस पर संघ के अंदरूनी सूत्रों ने दावा किया कि 2014 के बाद से बीजेपी का कद और लोकप्रियता बढ़ी है, ये एक संगठन के रूप में भी मजबूत हो गई है और धन जन शक्ति सहित संसाधनों की उसके पास कोई कमी नहीं। इससे उसे यह विश्वास मिला होगा कि वो 2024 के अभियान को अपने दम पर संभाल सकती है, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया। इन सब के अलावा कुछ ऐसे भी दावे हैं जो आरएसएस की ओर से किए जा रहे हैं, उसके मुताबिक अहंकार की वजह से इस चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो चलिए एक एक करके आपको उन दावों के बारे में बताते हैं। संघ को लगता है कि टिकटों के बंटवारे से लेकर चुनाव अभियान और प्रबंधन पर उनसे सलाह लेने में बीजेपी ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। ब्रांड मोदी ने राज्यों के पार्टी नेतृत्व पर हावी होकर न सिर्फ स्थानीय नेताओं को जनता से दूर किया बल्कि संघ कार्यकर्ताओं को भी थोड़ा शांत, थोड़ा शिथिल और दूर कर दिया। ब्रांड मोदी का स्थानीय बीजेपी नेतृत्व और काडर पर हावी होना, इससे भी उनमें सुस्ती आ गई। राष्ट्रीय चुनाव प्रचार में स्थानीय मुद्दों पर हावी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तैयारी ही नहीं। विपक्ष ने चतुराई से दलितों को भारतीय जनता पार्टी से दूर करने का अभियान चलाया। विपक्ष ने बीजेपी की रणनीति में जातिगत कमजोरियों और कमियों का फायदा उठाया। ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी साफ साफ दिखी। इसके अलावा 10 जून को फिर से संघ के संपादकीय ऑर्गेनाइजर ने भारतीय जनता पार्टी को 3 अर्जेंट मोटिव्स की पहचान करने की सलाह दी। पहले बीजेपी को यह आकलन करना होगा कि क्या पार्टी या गठबंधन में कुछ दागी नेताओं के आने से पार्टी की छवि खराब हुई है, खासकर भ्रष्टाचार मुक्त राजनीतिक एजेंडे पर कोई आंच आई है। संघ को इस बात का डर है कि दल बदलुओं का बीजेपी में बढ़ता प्रभाव हिंदुत्व को कमजोर कर सकता है। दूसरी, जाति आधारित पहचान का फिर से उभरना बेहद हैरान कर देने वाला है, जिसे पार्टी रणनीतिकारों को समझना ही होगा। तीसरी, भारत विरोधी ताकतें, राजनीतिक दल, गैर सरकारी संगठन, मीडिया घराने और कलाकारों का इस्तेमाल करके अराजकता पैदा करने और समाज को अलग थलग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए नई सरकार को राष्ट्रीय चिंताओं के मुद्दों पर जागरूक संगठनों के व्यापक समर्थन की जरूरत होगी। वैसे ये तो तय है कि बीजेपी को इस चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ है। अब इसकी वजह आरएसएस को दरकिनार करना है या कुछ और, इस पर बहस जरूर की जा सकती है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में दोनों संगठनों के बीच एक शिखर बैठक हो सकती है, क्योंकि इसी साल के अंत में हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में दोनों संस्थाओं के बीच मतभेद दूर करने में नेतृत्व को ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब बीजेपी और आरएसएस की फूट का न सिर्फ विरोधी दल बल्कि विदेशी ताकतें भी खुलकर फायदा उठाएंगी और ये संगठन चुपचाप बैठकर बस तमाशा देखते रह जाएंगे। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।